श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 टू 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है ना, और बहुत आराम से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे क्वेश्चन की तरफ, तो ठीक है चलिए करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? गिव एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस, यानी अब भी हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट किया था कल की क्लास में, वहां हमने क्या किया था? वहां हमने किया था कि हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए थे और उन्हें वर्ड्स में चेंज करना था, है ना। यहां पर हमें क्या करना है? गिव एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशंस देने हैं इन वर्ड्स सेंटेंसेस के लिए। कैसे देंगे? देख जो बोलते जा रहे हैं वही लिखते भी जाएंगे। 11 एडेड टू 2 मीटर, 11 को ऐड करना है 2 मीटर में, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा रॉन्ग। हम कैसे लिखेंगे? किसमें ऐड करना है? 2m में ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 11 ऐड करना है, तो ये होगा हमारा राइट पैटर्न लिखने का, ठीक है। अगर ये बोला जाता कि 2m एडेड टू 11, कि 2m को ऐड करो 11, तो हम 11 पहले लिखते, लेकिन यहां हमको ये बोला गया है 11 एडेड टू 2m, 11 को ऐड करना है, तो जिसको ऐड करना है वो बाद में लिखेंगे, जिसमें ऐड करना है वो पहले लिखेंगे। केवल लैंग्वेज समझनी है, लैंग्वेज पकड़नी है, अगर लैंग्वेज आ जाएगी आंसर रॉन्ग नहीं होगा। देखो इधर 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, 11 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें? 2m में से, 2m हम पहले लिख देंगे, देन माइनस 7 लिख देंगे, बस आंसर आ गया, है ना। लैंग्वेज जहां समझ में आई वही आंसर हमारे सामने, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5 टाइम्स y, यानी जो 5 है वो कितने टाइम्स है, y है वो कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है। टू विच 3 इज एडेड, और जिसमें ऐड किया जाता है 3। समझ में आई बात? क्या लिखेंगे? 5 टाइम्स y, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे इसको, टू विच यानी जिसमें ऐड किया जाता है 3। दूसरी स्टेप क्या निकल कर आएगी? 5y प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट 5 टाइम्स y फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्ट, जिसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, क्या लिखेंगे? 5y माइनस 3, समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट देखो y इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस, क्या लिख रहा है? y को मल्टीप्लाई करना है किससे? माइनस 8 से, तो जिसके सामने से लग गया किससे? 8 से, किसको मल्टीप्लाई करना है? y को, क्या बन जाएगा? माइनस 8y। नेक्स्ट वाला y इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8, देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट, यानी इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें ऐड करना है, तो हमने क्या किया? जब भी हम एक एक्सप्रेशन के बाद दूसरा उसमें ऐड करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम एक साइन के बाद दूसरा साइन यूज करते हैं, पहले जो दो साइन है यानी जो दो डिजिट हमने जिस साइन के साथ ली है उनको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन गया ये? माइनस 8y इंटू y, तो क्या बन जाएगा? माइनस प्लस, जब हम उसे ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे तो उस ब्रैकेट को कर देंगे, तो क्या आया आंसर? माइनस 8y प्लस 5। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो फटाफट सभी लोग, और फेसबुक पर भी, अब आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरा यूट्यूब लोगो है, और आप यूट्यूब चैनल श्वेता क्लासेस के साथ मैच डालेंगे तो लोगो आपको नजर आएगा, ठीक है। क्योंकि श्वेता क्लासेस के नाम से और भी क्लासेस हैं, मेरा ये लोगो है, इसे देखकर अगर आप मुझे चाहते हैं तो इस लोगो को देखकर आप मुझे फॉलो, ठीक है। बाकी ये टेलीग्राम का लिंक है, इस लिंक पर भी फॉलो करके आप अपनी क्वेरीज को इजीली पूछ सकते हैं।
डाउट है तो उन्हें भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, जो आपकी क्लास का टाइम है वो है 1:30 PM, डेली क्लास का टाइम है आपकी 1:30 PM। रोज एक क्लास अपलोड करती हूँ 1:30 PM, जिसका नोटिफिकेशन आपको एक दिन पहले मिल जाता है। तो अगर आपने अभी तक ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आपकी क्लास टाइम से आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए, अब क्या है, 5 is multiplied by 5 and the result is subtracted from 16. 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया है और जो रिजल्ट है उसको सब्ट्रैक्ट। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, एकदम सही लिखा है मैंने, जल्दी से बताओ। 5 is multiplied by 5, ठीक, and the result is subtracted from 16. नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने उल्टा कर दिया, ये यहाँ आना था और ये यहाँ आना था। क्यों? क्योंकि क्या है, इतनी बात तो समझ में आ गई कि y is multiplied by 5, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5y आ गया। ठीक है, एंड द रिजल्ट इज, यानी रिजल्ट तो ये आया, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, इसको 16 में से माइनस करना है, तो इसके लिए हमको 16 पहले लिखना होगा, देन उसके बाद 5y लिखना होगा। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। देखा आपने, लैंग्वेज थोड़ी सी भी समझ में नहीं आती तो तुरंत क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पर 16 प्लस में है, अगर मैं 16 को बाद में लिख देती तो 16 माइनस का हो जाता ना, रिजल्ट में गड़बड़ हो जाती है ना भाई, जिस बच्चे को पास होना चाहिए था वो बच्चा तो फेल हो जाता है कि नहीं। इसीलिए केवल लैंग्वेज की तरफ ध्यान देना है कि लैंग्वेज क्या बोल रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें लिखते जाना है। नेक्स्ट वाला देखो भाई, 5 इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5, ठीक है, 5 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिल गया आंसर, 5y मिल गया माइनस का, एंड द रिजल्ट इज, यानी ये रिजल्ट है, इज एडेड टू 16। अब इस रिजल्ट को 16 में ऐड करना है तो हमें पहले 16 लिखना होगा और उसके बाद इसको इस तरीके से शो करना होगा। अब आप बोलोगे मैम ऐसे क्यों शो करना, बेटा ऐसा इसलिए शो करना होगा क्योंकि जो 5y है वो माइनस का है, 5y है वो माइनस का है, इसीलिए हमें इसे ब्रैकेट में रखना होगा। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, और फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग टी एंड 4, यानी एक तो टी यूज करना है और यूज करना, use not more than one number operation, एक नंबर से ज्यादा का ऑपरेशन नहीं नहीं है, every expression must have t in it, और हर expression में t जरूर होना चाहिए। हम देखो कितने टाइप से इसको लिख सकते हैं, पहले तो हम स्टार्टिंग में लिखते प्लस 4, टी माइनस 4 या टी मल्टीप्लाइड बाय 4, टी मल्टीप्लाइड बाय 4 बन गया, t डिवाइडेड बाय 4 बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब 4 को स्टार्टिंग में रखेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 4 प्लस t, ठीक है, 4 माइनस t, आया समझ में, देन उसके बाद 4 मल्टीप्लाइड बाय t, ठीक लिखा है, फोर मल्टीप्लाइड बाई टी। अरे भाई, चाहे 4 मल्टीप्लाइड बाई टी लिख लो या टी मल्टीप्लाइड बाई 4 लिख लो तो सेम ही रहते हैं, है ना, तो हमको इसे लिखने की कोई जरूरत, कितने हो गए, 4 ये हो गए और 2 ये हो गए 6, और एक बन जाएगा हमारा 4 डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब ये मत कि यहाँ भी डिवीजन है और यहाँ भी डिवीजन है, ये भी तो सेम है, ये सेम नहीं है, ऊपर टी है, यहाँ पर डिवाइजर, यहाँ पर डिविडेंट टी है, यहाँ पर डिवाइजर 4 है, और यहाँ पर डिविडेंट 4 है, डिवाइजर टी है, तो दोनों में डिफरेंस है। लेकिन अगर टी इंटू 4 करेंगे या 4 इंटू टी करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 4t ही आएगा। ठीक है, आगे जैसे 3 इंटू 2 करो या 2 इंटू 3 तो आंसर क्या आता है, आंसर तो 6 ही आता है। क्लियर हो गई बात,
ठीक है कि नहीं? चलो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम फिर तो टी प्लस फोर है ना, और टी माइनस फोर भी सेम आएगा, फोर माइनस टी भी सेम आएगा, तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर फोर से पहले टी से पहले माइनस है, यहाँ पर टी से पहले प्लस है। ठीक है, जितना मैंने लिखा है आप उसको उतारेंगे और एक बार समझने की कोशिश करेंगे। कितने मैंने एक्सप्रेशन बना दिए गिनो, 1 2 3 4 5 6 और 7 एक्सप्रेशन टोटल बनने तो चाहिए थे 8, लेकिन क्योंकि ये दोनों सेम सेम हो जाते इसीलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया, तो कितने एक्सप्रेशन बने? 7 एक्सप्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट है फॉर एक्सप्रेशन बाय यूजिंग y 2 एंड 7, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y इन इट, यूज ओनली टू नंबर्स ऑपरेशन, दी शुड बी डिफरेंट। यानी अब ये तीन डिजिट्स को यूज करना है, y सब में जरूर लेना है, और जो एक्सप्रेशन आप बनाएंगे वो डिफरेंट होनी चाहिए, एक जैसी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे 2 इंटू वाई प्लस 7, 2 इंटू वाई माइनस 7, दो बन गए। अब 7 इंटू वाई प्लस 2, 7 इंटू वाई माइनस, ठीक है कितनी बन गई, 4 बन गई। यही एक्सप्रेशंस बन सकती हैं, ठीक है यही एक्सप्रेशंस बन सकती हैं, एक्सप्रेशंस ही बनेंगी, बन जाएंगी। डिवीजन में बना सकते हो और मल्टीप्लिकेशन में नहीं बना सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ एक बार में एक ही तो साइन हम यूज कर सकते हैं, एक साइन को मोर देन वन टाइम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फोर एक्सप्रेशंस बना दिए हमने, हम केवल इतना और कर सकते हैं कि 2y डिवाइडेड बाय 7 और 7y डिवाइडेड बाय, ये 1 2 3 4 5 6 एक्सप्रेशंस आपके यहाँ बन जाएंगे। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी, कैसा भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, है ना, टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और अपनी क्वेरीज को पूछ। बाकी अभी तक लाइक तो किया नहीं किसी ने भी, है ना, तो आप लोग क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करो कि आज की क्लास कैसी लगी। और जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि सब्सक्राइब तो हम करने ही वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे क्लास कितनी अच्छी लग रही हो, भाई ऐसा मत करो। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो एक बार सब्सक्राइब का बटन, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन होता है वो आपको टाइम से मिल जाएगा और आपको आपकी क्लास भी मिल जाएगी। ठीक है, तो कंजूसी मत करो, क्योंकि कोई खर्चा नहीं है आपका इसमें, है कोई खर्चा बताओ मुझे, क्या बटन ही तो प्रेस करना है, तो बटन प्रेस करने भी नहीं लगता, जल्दी से प्रेस कर दो। चलिए फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए वॉचिंग मी, बाय बाय।